हालांकि भारत पाकिस्तान के तनाव के चलते सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं। वहीं दूसरी तरफ जोधपुर एयरपोर्ट पर भी यात्रियों को दोहरी जांच के बाद ही एंट्री दी जा रही है। अब केवल यात्री ही टर्मिनल में प्रवेश कर पा रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान का महत्वपूर्ण एयरफोर्स स्टेशन एयरपोर्ट के पास होने की वजह से जोधपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है और साथ ही यहाँ पर मोबाइल से फोटो खींचने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। भारत पाकिस्तान के तनाव के चलते सुरक्षा एजेंसियां पूरी ओर से मुस्तैद हो गई है। वहीं जोधपुर एयरपोर्ट पर भी आगंतुकों का प्रवेश बंद कर दिया गया है और यात्रियों के भी दोहरी जांच के बाद में एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है एयरपोर्ट डायरेक्टर जीके खरे। उनसे पूछते हैं कि सुरक्षा एजेंसियां क्या कुछ देख रही है और सुरक्षा के लिहाज से एयरपोर्ट पर क्या कुछ सुरक्षा बढ़ाई गई है। सर, जैसा कि अभी जो तनाव चल रहा है भारत पाकिस्तान का, तो उसके चलते जोधपुर एयरपोर्ट पर भी आगंतुकों का प्रवेश भी बंद कर दिया गया है और सुरक्षा के लिहाज से काफी सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो आपकी ओर से एयरपोर्ट पर किस तरह की सुरक्षा बढ़ाई गई है और ये आगंतुकों का प्रवेश कब तक बंद कर दिया गया है? ये जो तनाव को देखते हुए भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है, इसके लिए अभी तक हमने जो मिनिस्ट्री से ऑर्डर आया हुआ है, सिक्योरिटी जो हमारा BCS है, ब्यूरो ऑफ सिविल सिक्योरिटी, वहाँ से जो ऑर्डर निकले हैं उसके हिसाब से जो विजिटर एंट्री होती है जो टिकट के थ्रू जाती है।